हे गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगर AWS पे कोई इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग के टाइम पे जब आपने देखा होगा कि यहाँ साइड में जब स्टेटस चेक्स होता है तो उसमें आता है आपका जो अभी इंस्टेंस है वो इनिशियलाइजिंग हो रहा है। अब उस केस में हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक हम अपने यूज़र का पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। हम उसी टाइम मतलब उस इनिशियलाइजिंग होने के टाइम पे ही हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल भी करवा सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अगर यूज़र भी ऐड करवाना हो वो भी, उसको परमिशन देना हो वो भी, कोई एक फ़ाइल क्रिएट करानी हो वो भी, उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट डालना हो, राइट। बट ये सारा का सारा काम कब हो जाएगा? जब आपकी इंस्टेंस लॉन्च हो रही होगी, राइट। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद होगा, मतलब इनिशियलाइजिंग हो रही होगी और उस वक्त में वो सारा का सारा आपका काम, मतलब कि जो भी आपने लिखा होगा, जो भी होना चाहिए, वो सारा का सारा हो रहा होगा उस टाइम, राइट। तो अगर हम इतना कुछ करें, मतलब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम एक सिंपल सी एक index.html हम बनाएंगे, HTTPD को इंस्टॉल करेंगे, राइट, इतना काम करेंगे और एक एक सिंपल सा एक 80 के पोर्ट पे, मतलब कि हम अपाचे पे एक सिंपल सी एक रैंडम सी एक फाइल को हम आउटपुट लेंगे एक अपाचे से, राइट। मतलब कि लाइक एक वेबसाइट के तरीके से, जैसे हेलो वर्ल्ड या लाइक कुछ और, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब बात आती है कि हम वो करेंगे कैसे। अब मतलब अब मैं एक रैंडम तरीके से बताऊंगा, बट आप उस चीज़ को आप और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल उसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जो चीज़ अभी मैं बताऊंगा। आप उस चीज़ में जितना ज़्यादा बैश स्क्रिप्ट लिख सकते हो उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप अच्छे अच्छे टास्क उसमें परफॉर्म करवा सकते हो। मतलब मेनली आपको क्या, किस चीज़ की स्किल चाहिए? आपको चाहिए बैश, बैश लैंग्वेज की स्किल्स, राइट। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें कैसे करना है, अब वो चीज़ देखते हैं भाई। मैं आता हूँ लॉन्च इंस्टेंस के अंदर और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं अपन रेड हैट 7.4 ही, राइट। और t2.micro ही मैं रखूँगा और इसको कर दूँगा नेक्स्ट। और मैं अपना यहाँ से, आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आपके केस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड आएंगे, बट मेरे केस में मैंने ये डिलीट कर दिए थे तो मेरे को बनाने पड़े, राइट। तो मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ VPCs को। सो इसके बाद हम आएंगे यहाँ नीचे एडवांस डिटेल्स के अंदर और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी डिटेल्स, जैसे यूज़र बिन नहीं, बिन बैश, राइट। ये हो गया हमारा शेवैंग जो कि हम रन कर रहे हैं। और हमें रन क्या क्या करना है, सबसे पहले जो हो यम इंस्टॉल हो, राइट। आप यहाँ से डायरेक्टली रेपो लिस्ट भी करा सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली अपडेट भी करा सकते हो, अपडेट करके वाई, देन इसके बाद क्या हो यम इंस्टॉल HTTPD, यम इंस्टॉल अपडेट वाला मैं फॉर्म बंद कर देता हूँ वरना टाइम लग जाएगा इसमें काफ़ी, राइट। बट इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैंने जस्ट बताया है आपको, राइट। अभी इसके बाद अगर मेरे को कुछ और इंस्टॉल करना हो तो बैश कंप्लीशन और विम भी करना है मेरे को इंस्टॉल, राइट। ये हो गया हाइफन वाई के लिए और यहाँ पर भी हाइफन वाई लगा देता हूँ वरना ये अटक जाएगा, राइट। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हो सिस्टम CTL अनेबल HTTPD, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। इसके बाद क्या हो, एक रैंडम सी कोई हेलो वर्ल्ड नाम की कोई एक फाइल बन जाए और उसके लिए मैं कोड्स लिख देता हूँ HTML के, ताकि देखने में कुछ अच्छा लगे, राइट। तो ये बनाया मैंने HTML का कोड और इसके अंदर मैं लिखूँगा टाइटल, सबसे पहले टाइटल के अंदर मैं लिखूँगा हेलो सिंपल, राइट। इसके बाद मैं लिखूँगा सेंटर, क्योंकि मेरे को सेंटर में लाना है, और स्लैश सेंटर। अब मैं सेंटर के अंदर लिखूँगा BR उसको नीचे लाने के लिए, फिर एक और BR, फिर एक और BR, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा पेज,
पी फॉर कंटेंट और स्लैश पी, और मेरे को इस जो भी इसका साइज़ होगा वो मैं रखूँगा H2 के साइज़ का, और मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हेलो लिनक्स वर्ल्ड, राइट। और मैं इसको भेज दूंगा स्लैश वेयर www.html के अंदर index.html नाम से, सिंपल। मतलब अब हमारे जब ये इंस्टेंस लॉन्च होके मिलेगी तो अब हमको ये वाली वेबसाइट इसमें रन होती हुई मिलनी चाहिए, राइट। तो करते हैं नेक्स्ट, और स्टोरेज वगैरह वही सब चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम हमने जो पहले सीखी थी, राइट। ये हमने बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया, और हमें कुछ भी सेटअप करने की अब ज़रूरत नहीं है CDPD के लिए और वगैरह के लिए, कुछ भी हमें ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम लॉन्च पे क्लिक करेंगे और कीज़ डाल देंगे, और वैसे भी मैं इसको डिलीट कर दूंगा अभी, तो मेरे को इसको SSH लेने की ज़रूरत नहीं है। व्यू इंस्टेंस करूँगा, अभी ये इनिशलाइजिंग हो रही है, राइट। इसको मैं भी लिख देता हूँ टेस्ट डेमो, राइट। और अभी ये हमारी लॉन्च होने वाली है, जब जैसे ये रनिंग स्टेज पे आ जाएगा, और ये इनिशलाइजिंग हो रही है अभी भी, देखो ये इनिशलाइजिंग हो रही है, राइट। तो मतलब अभी ये चल रही है, अभी जितना भी हमारा काम था वो भी सारा परफॉर्म हो रहा है और लॉन्च भी हो रही है, राइट। तो जब ये रनिंग स्टेज पे आ जाएगी तब हम इसकी पब्लिक IP को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से पब्लिक IP को कॉपी कर लिया हमने, राइट। अभी जब ये रनिंग मोड पे आ जाएगी, जब इसका इंस्टेंस स्टेट जब इसका रनिंग आ जाएगा, या रनिंग आ गया, अब हम जाएंगे न्यू टैब पे, और यहाँ ऊपर में डालेंगे हम इसकी IP, राइट। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, तो हमें यहाँ पर वो वेबसाइट देखने के लिए मिलनी चाहिए, राइट। देखो मिल गई ना, या सो ये चीज़ बहुत ही कूल है, राइट। और हम जितना चाहें उतनी चीज़ें हम परफॉर्म करवा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने कमांड्स लिख दी थी, बट आप वहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हो, लाइक पूरा का पूरा एक फ़ाइल को अटैच करके भी डाल सकते हो, राइट। आपको पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई फ़ाइल को वहाँ इंपोर्ट कर रहे हो तो, सिंपल, राइट। तो ये था एक नॉर्मल सा, देखो यहाँ पर हेलो भी लिख के आ रहा है, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये है कुछ थोड़ा बहुत मैंने न्यू आपके लिए बताया, राइट। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे पाइथन के बारे में, मैं पाइथन की सीरीज़ बनाने वाला हूँ अब, सोच रहा हूँ, राइट। तो सब्सक्राइब कर लो यार अगर नए आए हो तो, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियोस की, और आप देखते रहोगे हमेशा जल्दी जल्दी, राइट। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, ताकि औरों को भी समझ आए, औरों को भी सीखने के लिए मिले कुछ न्यू, और नॉलेज बांटने से ही ज़्यादा बढ़ती है ऐसा बोला जाता है, तो मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ और आप भी वही चीज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।